नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग यहां पर देख रहे होंगे काफी अच्छा डिजाइन चल रहा है जो कि हमने दो साथी पे बना रखा है दोस्तों, और इसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो इसकी प्रोग्रामिंग वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि मैं आप लोगों को कोडिंग और वायरिंग सब कुछ डिटेल में बता चुका हूं। दोस्तों चलिए आज कुछ नया इसमें डिजाइन बनाएंगे जो कि काफ़ी यूनिक डिजाइन रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डीजे वाले दोस्तों के साथ, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले में प्रोग्रामिंग जो था उस प्रोग्रामिंग को मैं आप लोग को दिखा देता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये अप एंड डाउन वाला प्रोग्रामिंग था दोस्तों, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया था। तो चलिए आज मैं आप लोग को कुछ नया डिज़ाइन बना करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एडिट रन को एक बार प्रेस करना होगा और इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। ये देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है दोस्तों Y00। तो यहाँ पर Y वाला सीरीज जब तक आएगा तब तक हमारा प्रोग्राम सेव है। ये देखिए इसमें हमारा सारा प्रोग्रामिंग सेव है। तो यहाँ पर हम Y06 तक प्रोग्रामिंग सेव किए थे, ये देखिए, और इसके बाद Y07 खाली है, मतलब यहाँ पर N07 हो जाता है। तो यहाँ पर N07 से हम प्रोग्रामिंग वाइज ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोनों शार्पी को हमें एक एंगल पर लेना होगा। तो यहाँ पर दोनों शार्पी में जैसे कि ब्राइटनेस ऑन है दोस्तों, आप ब्राइटनेस को फिर से यहाँ डालना चाहते डाल सकते हैं, बट यहाँ पर ब्राइटनेस ऑन है तो मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को नहीं छेड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर शार्पी पे कलर डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 और नंबर 2 वाला बटन को प्रेस करना होगा। ये देखिए दोनों LED अभी चल रहा है, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले स्लाइडर से आप लोग यहाँ पर कलर डालना होगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर कलर डाल दे रहा हूँ, येलो कलर हम यहाँ पर डाल दिए दोस्तों, और इसमें बना देते हैं गोबो प्रिज्म। तो प्रिंज बनाने के लिए यहाँ पर 5 नंबर वाले स्लाइडर को पूरा उठा दिए हैं। ये देखिए प्रिंज बन चुका है, और प्रिंज को हम धीरे धीरे से रन भी करवा रहे हैं। ये देखिए घूम भी रहा है। अब इस वाले डिजाइन को मैं आप लोग को कुछ नया डिजाइन में ऐड करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले Page B को ऑन करेंगे और सारे स्लाइडर को डाउन कर देंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर दोनों शार्पी एक साथ चालू है, और यहाँ पर 2 और 4 स्लाइडर को अप करके फिर से डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों शार्पी एक एंगल में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोनों में फूल बना हुआ है प्रिज्म। और अब यहाँ पर दोस्तों सबसे फर्स्ट 2 नंबर स्लाइडर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, और इसको कुछ इस तरह से एंगल पे ले लेंगे दोस्तों, इतना पे, और इसे ऐड कर देंगे यहाँ पर जो कि N07 है, इसको यहाँ पर सेव कॉपी करेंगे तो Y07 हो जाएगा। ये देखिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है, Y07 आ चुका है, यानी कि ये वाला प्रोग्रामिंग हमारा ऐड हो चुका है दोस्तों। और अब जस्ट इसी एंगल में केवल शार्पी को ऊपर करना है, तो 4 नंबर वाले स्लाइडर से शार्पी को ऊपर करते हैं दोस्तों। ये देखिए अभी दोनों शार्पी ऊपर हो चुका है, और इसको ऐड कर देंगे, N08 है इसे Y08 कर देंगे। ये देखिए Y08 हो चुका है, और जस्ट इसका आप केवल हेड को दाहिना साइड घुमाएंगे दोस्तों। ये देखिए इसको ऐड कर देंगे, N09 को Y09 करेंगे। चलिए अभी इस वाले प्रोग्रामिंग को जो उस कोने से उठ के आया है यहाँ तक, अब इसे फिर यहाँ पे डाउन करना है दोस्तों। तो डाउन करने के लिए स्लाइडर को 4 नंबर स्लाइडर को डाउन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर अभी पोजीशन आ चुका है, और अब इसे करेंगे दोस्तों N10 को Y10। ये देखिए अब जस्ट इसको दोस्तों वापस घुमा के उस वाले पोजिशन पर ले जाना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं 2 नंबर वाले स्लाइडर को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ डाउन की तरफ, तो ये उस पोजीशन तक पहुँच चुका है, और अब यहाँ पे कर देंगे N11 को Y11। ये देखिए प्रोग्रामिंग वाला सेव हो चुका है दोस्तों, काफ़ी इजी प्रोग्रामिंग रहने वाला है, और ये दोस्तों सर्कल बनेगा इस टाइप से, गोल गोल गोला बनेगा। तो अब इस प्रोग्रामिंग को हम सेव करेंगे दोस्तों। प्रोग्रामिंग को सेव करने के लिए यहाँ पर एडिट रन वाले बटन को प्रेस करके रखना है। ये देखिए अब चेस पे आ जाएंगे,
अब फिर से यहाँ पर छेस में बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, ये देखिए ब्लिंक करने लगा। और अब यहाँ पर हम एक दो तीन, दो तक हमारा ऐड है, आज तीसरे में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा में ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट वाला प्रोग्रामिंग रहता है वो आ जाता है दोस्तों, तो आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो इस बटन से हम चेंज करेंगे, ये देखिए ये वाला हमारा अभी ऑप्शन आ चुका है। और इसको कर देंगे दोस्तों एक बार सेव कॉपी, सिर्फ एक बार प्रेस करना है दोस्तों, ये देखिए। फिर से हम यहाँ पर सेम उसी तरह से इस बटन से चेंज करेंगे दोस्तों, और इसके बाद वाला प्रोग्रामिंग को लाएंगे, ये देखिए ये फर्स्ट था, इसके बाद ये सेकेंड आ जाता है जो कि ऊपर वाला था। तो इसे कर देंगे एक बार ऐड, फिर से स्लाइडर को यहाँ पर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद वाला ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए। इसे कर देंगे एक बार कॉपी, फिर से उसके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे दोस्तों डाउन, और इसे भी कर देंगे कॉपी, फिर से उसका नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे दोस्तों ये देखिए। अब इसको भी कर देंगे कॉपी, तो हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है दोस्तों। अब इसे टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर पहले चेस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ये देखिए। अब यहाँ पर केवल चेस वाले एलईडी अभी ऑन है दोस्तों, और यहाँ पर तीसरा नंबर को एक बार ऑन करेंगे, ये देखिए दोस्तों। अब इसके बाद स्पीड और क्रॉस दोनों स्लाइडर को ऊपर करके और एडजस्ट करना है स्पीड को। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें एक साइड से प्रिंज बनते हुए आएगा, दूसरा साइड से ये बीम बन के चला जाएगा, ये देखिए अभी प्रिंज बन रहा है और दूसरा साइड से ये बीम बन जाएगा। तो आज का डिज़ाइन कुछ यही था दोस्तों, जो कि गोल सर्कल में है, और ये जब आपका रोड शो में चलेगा तो काफ़ी यूनिक रहेगा, ये देखिए। आपको मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ इसका प्रिंज दोस्तों, और इसमें जब स्मोक चलेगा तो और भी यूनिक लगेगा देखने में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी तीन डिज़ाइन बना करके और तैयार कर दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन को भी देख सकते हैं, ये देखिए केवल दूसरे नंबर को प्रेस करना है, दूसरा डिज़ाइन चालू हो जाएगा। स्पीड वगैरह आपको एडजस्ट नहीं करना है, वो एक बार एडजस्ट कर दिए तो वो एडजस्ट में रहेगा दोस्तों, ये देखिए सारा एक्शन में वो सेम एडजस्टमेंट काम करेगा। और अगर आप लोगों को फर्स्ट डिज़ाइन देखना है तो फर्स्ट मैंने क्रॉस बनाया था दोस्तों, ये रहा फर्स्ट वाला डिज़ाइन, यहाँ पर ये देखिए ये क्रॉस बन रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डीजे वाले दोस्तों के साथ, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कोई नई डिज़ाइन को लेकर के नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।